बहादुर लोग जानते हैं ये लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा। इस विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, खास तौर पर भवानी खेड़ा और इस गांव कड़क को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस का खाता खोलने ही नहीं दिया, कभी नहीं खोलने दिया, क्योंकि यहां के बहादुर लोग जानते हैं ये लोग जब भी कांग्रेस के लोग आएंगे देश के साथ गद्दारी करेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का विभाजन किया, देश के अंदर हिंदू मानबिंदुओं के साथ खिलवाड़ किया, तुष्टीकरण की हदों को पार किया, विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे और भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को कोसने के सिवाय भारतवासियों को इन्होंने कोई भी ऐसा क्षण उपलब्ध कराने के लिए कभी प्रयास नहीं किया जिस पर हर भारतवासी गौरव के साथ आगे बढ़ सके। बहनों और भाइयों, आपने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखा होगा, डबल इंजन सरकार के कारण आज यहां पे कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, अच्छी सड़कें बन रही हैं, चाहे वह रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो, या फिर विकास के साथ साथ हर घर नल की योजना हो, या फिर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कार्य। अगर इन कांग्रेसियों ने ही विकास का कार्य किया होता, गरीबों का कल्याण किया होता, उनके उत्थान के लिए कोई कार्य किया होता तो मोदी जी को कोरोना कालखंड से अब तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा नहीं देनी होती। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, एक तरफ भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अरे तो देश का सौभाग्य है मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिल गया। भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, आज भारत के बगैर दुनिया की कोई व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बनकर के उभर करके आगे बढ़ रहा है और यही कारण है जब देश के पास संसाधन है। ये कांग्रेस के लोग तो कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमान का होगा, लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधन पर पहला अधिकार गरीब का होगा, कमजोर का होगा, वंचित का होगा, दलित का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, समाज के प्रत्येक तबके को विकास की योजना का लाभ दिया जाएगा और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के घर बनकर के तैयार हो गए हैं, उन गरीबों को उपलब्ध करवाया है। और कहीं भी मोदी जी ने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया, उन्होंने तो कहा कि त्वदीय मस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, जनता जनार्दन आपने मुझे चुन करके भेजा है, ये आपको समर्पित है। ये भाव था, एक तरफ मोदी जी देश को बना रहे हैं और दूसरी तरफ 60-65 वर्षों तक शासन करने वाली कांग्रेस जब भी इन्हें अवसर मिला
इन्होंने देश को लूट करके दुनिया के अंदर उस पैसे को कभी स्विच बैंक में पहुंचाने का काम किया और कभी कहीं और जगह पहुंचाने का काम किया। इनको देश इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं रहा।